हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि माएँ भी अपने बच्चों को कहती है, इनफैक्ट हम अपने रिलेटिव्स को, उम्रदराज पेशेंट को, सबको ये कहते हैं कि दूध ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, इससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं। उम्रदराज पेशेंट्स को भी हम दूध या उससे बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे कि दही है, चीज़ है, पनीर है, ये सब खिलाते हैं कि इससे हड्डियाँ मजबूत होगी और हड्डियों में ताकत आएगी और फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या वाकई में दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, क्या है ऐसे ट्रायल्स जो सजेस्ट करते हैं कि दूध में जो मौजूद कैल्शियम है वो हड्डियों को मजबूत करता भी है या नहीं, और पेशेंट्स को क्या इससे बहुत लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा मिला है, लंबे समय तक उनको दूध देने से क्या वाकई में फ्रैक्चर्स होने के चांस उनकी बॉडी में कम देखे गए हैं, इस पर आज डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। ऑब्वियसली देखिए, बच्चों को तो सभी लोग दूध पिलाते हैं क्योंकि कैल्शियम का बहुत अच्छा और नेचुरल सोर्स है। इससे कितनी हड्डियाँ मजबूत होती है, कितनी ताकत आती है, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन बच्चों को ज़्यादातर लोग पिलाते हैं क्योंकि इसे एक पौष्टिक और हेल्दी चीज़ माना जाता है और बहुत सारे अलग तरह के भी इसमें फ़ायदे हैं। अलग अलग विटामिन इसमें मिलते हैं, थोड़े बहुत मिनरल्स भी मिलते हैं और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, एनर्जी का अच्छा सोर्स है। लेकिन उम्रदराज पेशेंट में दूध और दूध के प्रोडक्ट से बहुत कोई ऐसी स्टडीज़ नहीं है जो शो करती है कि उनकी हड्डियों में एक्चुअल में फ्रैक्चर्स का चांस कम देखा जाता है या उनको लंबे समय में कुछ वाकई में फ़ायदा देखा गया है। जब किसी पेशेंट्स को हमने लंबे समय तक दूध या उससे बने हुए प्रोडक्ट खिलाए तो उनको कुछ फ़ायदा मिला, आज उसके ट्रायल्स क्या हैं इस पर डिस्कस करेंगे। एक जनरल डिस्कशन इससे पहले भी वीडियो में हमने किया था दूध के फ़ायदे और नुकसान के बारे में, लेकिन आज हम उसको डिटेल में ट्रायल्स के माध्यम से डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक कंक्रीट एविडेंस मिले कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें क्या साइंटिफिक बेसिस है। ऑब्वियसली कहने वाले लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छा चीज़ है, पीना चाहिए, लेकिन पीने में कोई बुराई नहीं है एज लॉन्ग एज आपकी बॉडी उसको टॉलरेट करे, पर इसमें फ़ायदा है भी या नहीं और क्या रिलीजियसली इसको रोज़ पीने से कुछ एक्चुअल में आपकी हड्डियाँ मजबूत होती है या नहीं, वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। बेसिक रियलिटी ये है कि आज तक किसी भी ट्रायल ने यह शो नहीं किया है कि दूध पीने से कोई हड्डियाँ मजबूत होती है, या जिन लोगों ने भी सालों तक दूध पिया, रेगुलरली उनको पिलाया गया फोर्सिबली कि दूध पियो रेली, उनकी भी हड्डियों में कुछ फ़ायदा मिला या उनकी एक्चुअल में उनकी फ्रैक्चर्स के चांसेस या उनकी हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस कुछ कम देखे गए, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं साबित हो पाया है। इसलिए इसको थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ही माना जाएगा। ओवरऑल जो है ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करती है, आपकी ओवरऑल डाइट कैसी है, ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी कैसी है, कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कितना प्रोटीन लेते हैं, कैसे लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी हड्डियों की मजबूती को अफेक्ट करती है। इसलिए एक्चुअली स्पीकिंग दूध के साथ कोई बहुत बड़ा स्टडी कर पाना इतना ईजी नहीं है क्योंकि जो फ्रैक्चर्स होते हैं वो बहुत सारे कारणों पर डिपेंड करता है और बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है। तो ऐसे केस में सिर्फ दूध से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है एसेस करना स्टडीज वाइज इतना मुश्किल होता है कि इसको कॉमन स्टडीज़ में साबित नहीं कर सकते। हाँ, हम मान सकते हैं कि हेल्दी प्रोडक्ट है तो इसे लेने में, अगर नेचुरल दूध है और उसमें कोई एडल्ट्रेशन वगैरह नहीं है, उसमें पानी या यूरिया वगैरह नहीं मिलाया हुआ है, नकली दूध नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ फ़ायदा करेगा। पर बहुत ज़्यादा इसको ज़बरदस्ती किसी को पिलाने से बहुत कुछ हासिल होने वाला ऐसा नहीं है। जो डेटा है इसमें वो है कि फ्रामिंगम ऑस्टियोपोरोसिस स्टडी 1997 में की गई थी। यहाँ पे 3,200 अडल्ट लोगों को स्टडी किया गया था, लगभग 12 साल के उनमें फॉलोअप किया गया था 65 साल की उम्र के लोगों में, और उसमें देखा गया था कि डेयरी इनटेक या डेयरी प्रोडक्ट्स का, खासकर दूध लेने से, उसमें फीमेल पेशेंट्स में थोड़ा फ्रैक्चर का चांस कम हुआ था पर मेल पेशेंट्स में कुछ फ़ायदा नहीं मिला था। हालांकि इस स्टडी में सिर्फ मिल्क पर फोकस नहीं किया गया था लेकिन ओवरऑल एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था कि फीमेल पेशेंट में थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला था, मेल में कुछ खास फ़ायदा नहीं था। इसके अलावा एक नर्सेज हेल्थ स्टडी पब्लिश हुई थी 2000 में जिसमें ऑब्जर्वेशन किया गया था 77,000 फीमेल्स का और उनका डाइट्री कैल्शियम का, दूध वगैरह का और ये सारी चीज़ों का फ्रैक्चर पर क्या इफेक्ट देखा गया था, और ज़्यादातर इसमें ज़्यादा कैल्शियम डेयरी सोर्सेज से लिया गया था, दूध वगैरह को लेके उनको कितना फ़ायदा हो रहा है ये देखा गया था। तो इसमें थोड़ा सा माइल्ड रिडक्शन देखा गया था फ्रैक्चर के रिस्क में जो लोग दूध दे रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं देखा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट स्टडी है वुमेन हेल्थ इनिशिएटिव, ये 2003 में हुआ था। इसमें कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, विटामिन डी और दूध वगैरह का सप्लीमेंटेशन का क्या फ़ायदा मिलता है पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में या महीना आना जिनका बंद हो गया उम्रदराज फीमेल्स में, उसमें देखा गया था। तो इसमें भी बहुत माइल्ड सा रिडक्शन हिप फ्रैक्चर का देखा गया था, पर इसमें अलग से उन्होंने दूध पर पूरी स्टडी नहीं की थी, उनका बेसिकली विटामिन डी और कैल्शियम और ये सारे सप्लीमेंटेशन पर फोकस था, पर इसमें भी बहुत क्लियर कट बेनिफिट नहीं देखा गया था। और वैसे भी मिल्क में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी नहीं होता है, कैल्शियम होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता। तो अगर हम ये सोच सकते हैं कि अगर कैल्शियम से और विटामिन डी से भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो फ्रैक्चर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, पर सिर्फ यही कैल्शियम दे दिया या सिर्फ दूध दे दिया
या सिर्फ विटामिन दे दिया, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल सकता है, पर वो सारे और भी चीज़ों पर भी डिपेंड कर सकता है कि पेशेंट कैसी लाइफस्टाइल जीता है, कितना हेल्दी है, कितना वो एक्सरसाइज करता है, कितना प्रोटीन लेता है। दूध में मौजूद प्रोटीन भी इसमें थोड़ी मदद कर सकता है, तो थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। पर कैल्शियम की अगर हम बात करें तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा ऐसा नहीं है। इसी तरह से एक एपिक ऑक्सफोर्ड स्टडी थी 2007 में जो पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने एक कोहोर्ट में एग्जामिन किया था कि डेयरी प्रोडक्ट्स का फ्रैक्चर पर क्या रिस्क होता है। बहुत सारा लोगों को उन्होंने एसेस किया था, मेल फीमेल्स में, अलग अलग तरह के लोगों में, और वेगन लोगों से, वेजिटेरियन लोगों में, और कुछ लोगों में जहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते वहाँ कंपेरेटिव एनालिसिस किया था। उनको ऐसा मिला कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिल रहा है उन लोगों में जो डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और उन लोगों में जो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बोन हेल्थ के हिसाब से, और अदरवाइज ऐसे लोगों में फ्रैक्चर के चांसेस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं देखा गया था। इसी तरह से हॉर्डालैंड हेल्थ स्टडी है जो कि 2010 में पब्लिश हुई थी, जिसमें 20,000 अडल्ट लोगों को 10 साल तक फॉलो किया गया था, और उसमें ये देखा गया था कि उल्टा देखने को मिला था, इनफैक्ट रादर स्टडी में, कि ज़्यादा दूध जिन फीमेल लोगों ने पिया था उनमें उल्टा इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर देखा गया था फीमेल लोगों में। तो ये स्टडी ऐसी है जिसमें थोड़ा उल्टा ही इफेक्ट देखा गया था कि फ़ायदा होने के बदले फीमेल पेशेंट में फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ ही गया था। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ट्रायल या कोई भी डेटा क्लियर कट ऐसा कोई एविडेंस नहीं शो करता कि हड्डियों को मजबूत करने में दूध का बहुत बड़ा योगदान है, या अभी तक हमने इसको प्रूव नहीं कर पाए हैं किसी भी स्टडी द्वारा कि इसमें बहुत कोई फ़ायदा है। तो इसलिए अगर किसी उम्रदराज पेशेंट को लेना है दूध तो वो ले सकते हैं, ये हमारा वर्डिक्ट है। लेकिन अगर अननेसेसरी हम उसको फोर्स करेंगे कि नहीं हड्डियाँ मजबूत होंगी इसलिए आपको दूध लेना ही लेना है और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो ये सोचना गलत है। अगर उसकी बॉडी को सूट कर रहा है, उसको कैलोरीज जो दूध में जाती है या प्रोटीन जो दूध में जाता है या कोलेस्ट्रॉल जो दूध में जाता है उसकी ज़रूरत है एक्स्ट्रा, तो वो दूध को ले, नहीं तो वो कैल्शियम टैबलेट्स भी ले सकता है। दोनों के साथ ही बहुत क्लियर डेटा अवेलेबल नहीं है कि फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा बहुत ये जोलिड्रोनेट, एलेंड्रोनेट, ये जो मेडिसिन है उसके साथ जो स्टडीज़ हुई है उसमें थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर देखा गया फ्रैक्चर के चांसेस को कम करने में, लेकिन आइसोलेटेड से कैल्शियम और विटामिन डी अगर दिया जाए और या खाली दूध दिया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता है फ्रैक्चर का चांस या हड्डियों को मजबूत करने में बहुत सिग्निफिकेंट कोई फ़र्क नहीं है। आप सारी चीज़ों पर एक साथ फोकस करोगे, अलग अलग फैक्टर्स पर फोकस करोगे, एक्सरसाइज से लेकर सब कुछ पर फोकस करोगे तो आपको सिग्निफिकेंट थोड़ा बेनिफिट देखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ दूध देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी, एक अलग तरह का पर्सपेक्टिव तैयार हुआ होगा। विटामिन डी और कैल्शियम के रिलेटेड क्या ट्रायल्स अवेलेबल है उस पर भी हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो की जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।